They said the world would end in 2036. But they were wrong. The world ended a long time ago. हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2022 की एक डिस्टोपियन साइफाई सीरीज रेसिडेंट इविल के बारे में। रेसिडेंट इविल का नाम आपने इससे पहले तो सुना होगा ही, आपने इसके बहुत सारे मूवीज इससे पहले देखे ही होंगे, पर आज हमारे आगे ये एक सीरीज के रूप में दिखाई गई है नेटफ्लिक्स के ऊपर। ये सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे का, और आप ये सीरीज को इंग्लिश के अलावा नेटफ्लिक्स पर हिंदी और तमिल में भी देख सकते हैं। ये सीरीज सेटअप है दो अलग टाइमलाइंस में, जहां पर पहली टाइमलाइन 2022 में सेटअप है, जहां पर हमें अल्बर्ट वेस्कर की स्टोरी दिखाई गई है और साथ में उसके दो ट्विन डॉटर्स जेड और बिल्ली के बारे में बताया गया है, जो कि न्यू रक्विन सिटी को शिफ्ट हो गए हैं। सेकेंड टाइमलाइन सेटअप है 2036 में, जहां पर एक डेडली वायरस के कारण 14 साल बाद एक डेडली आउटब्रेक दुनिया में फैल चुका है। यहां पर हमें फ्यूचर की जेड की कहानी दिखाई गई है, जहां पर वो क्योर की तलाश में है और साथ में उसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से भी बचना होगा। ये सीरीज बेस्ड है मोस्टली रेसिडेंट इविल रकून सिटी गेम के ऊपर, जो कि इंस्पिरेशन था रेसिडेंट इविल मूवीज 1, 2, 3 और 5 भी। सभी मूवीज के प्लॉट को मिलाकर भी ये सीरीज में हमें एक नई और ओरिजिनल स्टोरी देखने को मिलेगी। दोनों टाइमलाइंस अपनी ओरिजिनल स्टोरी बता रही होगी, बट 2022 की टाइमलाइन यहां पर हमारी सीरीज की हाईलाइट बन चुकी है, जहां पर हमें कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाई गई है कि अल्बर्ट वेस्कर कैसे बच चुका है जहां पर वो पिछली मूवीज में मर चुका है, और साथ में सभी मेन कैरेक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है, जिससे कि ऑडियंस शुरुआत से ही सीरीज में घुस जाती है। Old umbrella made mistakes. The things we're working on today, they're gonna change the world. 2036 वाली टाइमलाइन में हमें कुछ ऐसे प्लॉट पॉइंट्स दिखाए जाते हैं जो कि काफी मजेदार है, पर उन पॉइंट्स पर पहुंचते हमें थोड़ा बहुत पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बीच में स्टोरी को बहुत ज्यादा स्लो बर्न किया गया है। ओवरऑल ये सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है और जिस तरह से हमारे आगे एग्जीक्यूट किया गया है वो भी बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। ये सीरीज के मेजॉरिटी प्लॉट पॉइंट्स और स्टोरी टेलिंग को गेम से इंस्पायर किया गया है, पर साथ में ये सीरीज अपनी एक ओरिजिनल पहचान और स्टोरी हमारे आगे प्रेजेंट कर देती है, जो कि हम सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आनी चाहिए। स्पेशल इफेक्ट्स की मैं बात करूं तो वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बहुत सारे सीन्स में आपको डर लगना शुरू हो जाएगा ज़ॉम्बीज़ को अपने स्क्रीन के ऊपर देखकर, और साथ में जब लिकर स्क्रीन पर आ जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया माहौल प्रेजेंट कर देता है। ओवरऑल अगर मैं ये सीरीज के बारे में बात करूं तो ये एक अच्छी सीरीज है, जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए, और अगर आप रेसिडेंट इविल के फैन हो तो जरूर से ये सीरीज को आपको सबसे पहले चेकआउट करना होगा। ये सीरीज को 5.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आप ऐसे ही सीरीज और मूवी के रिव्यूज देखना चाहते हैं और साथ ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टॉप 10 सीरीज और मूवी रिकमेंडेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर क्लिक कीजिए।